वेलकम नेक्स्ट स्टूडेंट। आई होप लास्ट हमने आपको भेजे हुए दो वीडियो से आपने अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्टेड 10 चैप्टर नंबर 1 एसएस सोशल साइंस का हमारा ये थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात और कल्चर हेरिटेज के बारे में हमने कुछ पॉइंट समझे थे और साथ ही साथ हमने गुजरात के फेल्स के पॉइंट्स जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे वो आपने आई होप मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आज हम थर्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप अच्छे से ये वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए और अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर पूछ सकते हैं। तो यहीं से हमारा थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। Land and people. Primitive men came into existence simultaneously in India and eastern South Africa. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Consequently, the remains of all tribes are found here. The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. But the modern researcher of linguistic and anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. Let's explore more about them. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ है इंडिया लैंड एंड पीपल, मतलब हमारी जमीन और हमारे लोग। जैसा कि हमें पता है कि प्रिमिटिव मैन का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है कि आदिवासी, जिसको बोलते हैं पहले के जो लोग थे आदिवासी भी हम उनको कह सकते हैं, जो पछात को नहीं बोलेंगे पर जो पहले जमाने के हम जिनको बोलते थे वो एक होगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मेस्मराइज यानी कि मिक्स हुए आस पास से लेकर, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया अलग अलग कंट्रीज से लोग आए यहाँ पे आए। अभी यहाँ पे एक और वर्ड इन्होंने यूज किया था, वीडियो पोस्ट करके उसको हार्ड वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि उनके भाषाओं के बेस के ऊपर, उनके जबान बोलने के तरीके के बेस के ऊपर। और एक और नाम आया था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलेंगे कि भाई एक तरह का साइंस है। क्या है ये स्टूडेंट्स? साइंस है। साइंस किसके ऊपर? तो साइंस ऑफ ह्यूमन के ऊपर ये जाने वाला एक तरह का साइंस को हम बोलेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बात की कि द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे एंशियंट पीपल के अंदर अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी का भाई जो रिसर्च की है उन लोगों की अगर हम बात करें तो द्रविडियंस को इन्होंने कंसिडर किया है सबसे एंशियंट पीपल के अंदर। ये आई टी नोट बनेगा आपका, खास अपनी बुक के अंदर या वीडियो पोस्ट करके इसमें लिख सकते हैं। द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया, ये खास आपको लिखना है। अभी इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन इसके अंदर आगे देखेंगे। नेग्रिटोइड और हब्सी पीपल। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रिट और नीग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। They came from Africa via Balochistan to India. They were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. यहाँ पे एक बात हो रही है नेग्रिटोइड पीपल की, ब्रैकेट के अंदर इनको कहा गया है हब्सी पीपल। इनका एक छोटा सा इन्होंने कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है कि वो लोग कहाँ से आए थे, तो कि वो लोग आए थे अफ्रीका से होते हुए वो बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान से वो इंडिया के ऊपर आए। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उनका और एक थोड़ा कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है, दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। वो स्किन कैसे थे कि वो लोग ब्लैक थे, उनकी हाइट 4 to 5 feet और उनके बाल कैसे थे कि उनके बाल थे कर्ली हेयर थे। ये उनकी एक कैरेक्टर से एक डेफिनेशन दिया हुआ है। आपको पूछ भी सकते हैं कि गिव द डेफिनेशन ऑफ नेग्रिटोइड पीपल और या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि गिव द डेफिनेशन ऑफ हब्सी पीपल। उसके अंदर आपको ये दो लाइन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑस्ट्रोलॉइड और निशद पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। देयर फिजिकल फीचर्स वर ब्लैक स्किन विद ब्रॉड हेड, flat nose, short in height, etc. The Aryan who came later into India called them Nishad. The origins of the tribes like Kol and Munda, Khasi, tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the Australoids. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. They made clay utensils, wore cotton cloth, and knew many other skills. They had great religious beliefs too. यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रोलॉइड यानी के निशाद पीपल की।
तो इनका भी कैरेक्टर स्केच देते हुए इन्होंने कहा है कि उनका फिजिकल फीचर्स कैसा था, तो आपको सामने बताया हुआ है कि ब्लैक स्किन विद ब्रॉड हेड, यानी कि बड़े जो इनकी पिसानी है वो थोड़ी ब्रॉड रहती है, फ्लैट नोज रहेगी और शॉर्ट इन हाइट, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव पीपल से मिलता जुलता ही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि द आर्यन हु केम लेटर, मतलब कि जो उनके बाद आए, आर्यन के बाद आए, उनको कहा गया है, क्या कहा गया है, क्योंकि निशा एक डेफिनेशन के तौर पर हम देख सकते हैं कि द आर्यन हु केम लेटर, मतलब कि जो उनके बाद आए उनको इंडिया के अंदर क्या नाम दिया है, गोल्डेन निशा एक नाम दिया गया है। उसके बाद आपके सामने इन्होंने कुछ नाम लिखे थे, कोली, मुंडा, खासी एंड ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड मेनमार, मतलब कि वहाँ पे रहने वाले वो जो लोग थे उनको ये नाम दिए गए, उनको ये कहा गया है, उनको कोल बोलेंगे, उनको मुंडा बोलेंगे, उनको खासी बोलेंगे, उस जगह पे जो रहने वाले हैं उनको एक तरह के कास्ट जैसे कि हम बोलते हैं इंडा, उस तरह से वो बुलाते हैं ये लोग ये। उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा हमारे लिए, देखिए वो बहुत ही ज़्यादा, वो लोग के अंदर क्या हुनर क्या था, तो क्या भाई कपड़ा ये क्लोथ सीने का हुनर था उनके अंदर, ये जो स्किल्स थे। और दूसरी चीज़, वो लोग सबसे ज़्यादा ग्रेट रिलीजियन बिलीवर थे, मानने वाले भी थे, ये भी एक खास उनका पॉइंट आप लिख सकते हैं नोट्स के फॉर्म में। The Dravidians. Originally, Dravidians belonged to India. They were the direct descendants of Stone Age civilization and the creator of Mohenjo-Daro culture. The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on, they were only called as Dravidians. Dravidians gave the concept of mother as a goddess and father as a god. So the thought of Parvati and Shiva as mother and father developed. Moreover, the tradition of worshipping nature is the gift of the Dravidians. The tradition of worshipping with dhoop or incense stick, deep or lamp, and aarti are considered to be the gifts of the Dravidians. Besides, nature and animal worshipping, etc., are their great features. Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. Under the tremendous influence of the North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians. Hence, intercaste marriages took place. Dravidians had a matriarchal system of family. Dravidians progressed a lot in different crafts and arts, like building of boat and raft, weaving, spinning, dyeing, etc. Due to the dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled there. As a result, today we can see the people speaking Dravidian family languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, etc. Okay, yahan pe hamara third point hai Dravidians. Isko hum pura ek short, jo main points hai short mein samajhne ki try karte hain. ड्रेविडियंस का इंसोर्ट अगर हम समझें तो क्या है, जिस तरह से कि हिंदू रिलीजियन है वहीं से हम देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई है, तो क्या ड्रेविडियन रिलीजियन, मतलब वो ड्रेविडियन उनका बेस है, ड्रेविडियंस ने ही उनको सिखाया है क्या करना था कि धूप आरती ये सब करना, फिर गोडेस एंड गॉड यानी कि पार्वती और शिवा इनको फादर और मदर ये मानने वाले की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इसके अलावा जो आरती करते, धूप करते, दीप करते, उसकी शुरुआत भी ड्रेविडियंस ने ही की थी, मतलब कि ये बेसिकली एक हिंदू रिलीजन का एक बेस है, यहीं से एक हिंदू रिलीजन का जो ये लोग करते हैं, जो हम करते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके अलावा इन्होंने और बहुत सी चीज़ों के अंदर अपना सहयोग, अपना साथ दिया है, जैसे कि आगे हमने पढ़ा था कि वो जो लोग आए थे एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने कॉटन क्लोथ उनको सीने के अंदर उनकी स्किल्स थी, इनके अंदर आर्यंस के अंदर बहुत सी चीज़ों का टैलेंट था, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन के अंदर आगे बताया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पे समझिए तो आर्यंस इसमें क्या हुआ था कि आर्यंस जो थे उनका उन्होंने मतलब परेशान करते थे, उनकी परेशान करने की वजह से वो लोग साउथ इंडिया के अंदर मतलब कि नीचे अपना इंडिया का जो नीचे का पार्ट है उसके अंदर वो लोग शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे आप देखो अभी जो हमारा साउथ का जो पार्ट है, नीचे साउथ इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे आप अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, आपके सामने लिखी हुई है लैंग्वेज देखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज कैसी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एक्सेट्रा, तो ये सब किससे बिलोंग करते हैं, तो ड्रेविडियंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल इसका पूरा यही जाएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदर ट्राइब्स
अलावा हम अदर ट्राइब्स की बात करें तो जैसा आपके स्क्रीन पर है मंगोलाइड, अल्पनाइड, डिनारी और एल्बनॉइड, ऐसे भी और भी ट्राइब्स थे जो इंडिया के अंदर रहते थे। अभी उनका डेफिनेशन हम आगे देखते हैं। Mongoloid. They came to India from North China via Tibet and settled down as North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal, etc. They gradually Indianized themselves. Mongoloid people possessed the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond-shaped eyes, etc. Having yellow complexion, Mongoloid were known as Yadu. एक खास ध्यान रखते हैं आपको, मंगोलॉइड का एक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम, पहले कहाँ से आए हो? अगर नॉर्थ चाइना वाया टिबेट होकर वो सेटल डाउन हुए नॉर्थ आसाम के अंदर, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल के अंदर एक्सेट्रा। ग्रेजुअली उनको अगर हम बात करें तो मंगोलॉइड पीपल है वो कैसे थे, अगर पोजेड बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किस तरह के थे, थोड़े कॉम्प्लेक्स, कैसे फ्लैट नोज, चब्बी चीक्स, आलमंड शेप आइज, मतलब के आपको सामने स्क्रीन के ऊपर उनका एक फेस बता ही रहे और बदाम जैसे आके ऐसे जीनी आके और उनका जो स्किन टोन था वो थोड़ा येलो पे जाता था। अभी इस वजह से सामने एक पॉइंट लिखा है कि हैविंग येलो कॉम्प्लेक्शन मंगोलॉइड वर नोन एज किरण। अभी आपको ये टर्न करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो वाज नोन एज किरण, मतलब कौन किरण के नाम से जाना जाता है, तो आप लिख सकते हैं मंगोलॉइड। एक ये आई पी नोट्स के फॉर्म में आपको लिख लेना है कि अगर ये ब्लैंक्स के फॉर्म में या एम सी क्यू के फॉर्म में या वन मार्क्स के फॉर्म में भी अगर आपको पूछते हैं तो आपको आना चाहिए। Alpine, Dinaric and Armenoid. These people migrated from Central Asia. All these three tribes have similarities. The origin or genes of these tribes are found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Orissa, formerly known as Orissa. अभी यहाँ पे तीनों ट्राइब्स की बात की है, अल्पनाइन, डिनारिक एंड एल्मोनॉइड। बेसिकली जो ये ट्राइब्स है वो कुल देखा जाए तो हम ही है, एल्मोनॉइड से वो कौन है तो के हम मतलब सौराष्ट्र में रहने वाले। इसमें डेफिनेशन के तौर पे इन्होंने कहा गया है कि दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन गुजरात। गुजरात में कहा पर तो के सौराष्ट्र के अंदर, फिर महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा। अभी ओडिशा को हम क्या नाम से जानते हैं तो के ओडिशा। The Aryans. The Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. Hindus were called Aryans in the ancient time, and the area where they were densely populated was called Aryaprata. As seven rivers were flowing over there, that region was named as Sapta Sindhu. In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. The area of Aryavarta was extended up to Mithila, Bihar in the east. In south, it spread up to Vindhyachal during the post-Vedic period. The Aryans were more developed people than any other contemporary tribes. This vast land was recognized with various names as Bharatbhumi, Bharatkhand and Bharatvarsh, etc. after the name of the king Aryabharata or Bharat tribe. Aryans were nature lovers. They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun, the wind, and the rain. They had composed hymns or rituals for praying to various natural elements. In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing Yajna Yagyadi, and other activities became prevalent in India. There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. These foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through inter-caste marriages. Outsiders and local people were greatly influenced by languages, script, names and religious beliefs, etc., played a vital role in Indianizing these foreigners. Since ancient times, a composite culture has been created in India. They all then became Indians. In short,
in ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. अभी यहाँ पे बात हो रही है आर्यंस की. बेसिकली आर्यंस का अगर हम एक डेफिनेशन लेते हैं तो के हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस. हिंदूज है उनको क्या कहेंगे तो के आर्यंस इन द एंशियंट टाइम. सबसे पहले पॉइंट यही है आपका, जब से ये वीडियो स्टार्ट होता है आर्यंस का वहीं से आप पोस्ट करके ये एक नोट बनाएंगे कि हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशियंट टाइम. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जो चीज़ें हिंदू रिलीजन के अंदर जो जो फॉलो होती है, अगर इन शॉर्ट हम ये पूरे पैराग्राफ का एक ओवरऑल लेंगे तो के जो जो चीज़ें एक हिंदू रिलीजन्स के अंदर फॉलो होती है वो सब चीज़ें आर्यंस से बिलोंग करते हैं. मैरिजिस ले लो, पूजा पाठ है, लैंग्वेजेस है, और उनको कहा भी जाता है जैसे कि हमने फर्स्ट नोट के अंदर लिखा है. उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि भारत इंडिया को एक नाम दिया गया है. मतलब उस टाइम पे कहते थे भारत भूमि, भारत खंड और भारत वर्षा. कब? किंग आर्या भारत और भारत ट्राइब के बाद. पहले इंडिया को क्या आर्या के टाइम पे भारत और भारत ट्राइब, मतलब ट्राइब इसलिए कहते थे. ट्राइब का मतलब आपको पता है कि आदिवासी हम बोलेंगे तो आने वाने आजू बाजू से जो आते थे, रहते थे, एक जगह रहते थे, दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो मतलब एक फिक्स नहीं होता था. तो बेसिकली उनके बाद आर्य के बाद इसको नाम दिए गए. ये भी आप एक फॉर्म नोट बना सकते हैं कि नाम क्या दिया था, तो भारत भूमि, भारत खंड और भारत वर्षा. उसके बाद अगर हम बात करें आर्यंस की तो क्या आर्यंस वर नेचर लवर. आर्यंस कैसे थे? तो नेचर लवर्स थे वो लोग. दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन. जैसे कि अभी हिंदू रिलीजन के अंदर जिस तरह से होता है पूजा पाठ होती है वो हम लोग मानते हैं, ट्रीज को मानते हैं, रिवर्स को मानते हैं, सन को मानते हैं, तो आर्यंस थे वो भी यही चीज फॉलो करते थे. तो हम इस तरह से क्लियरली कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन के अंदर जो जो चीज़ें फॉलो होती है वो आर्यंस से ही बिलोंग करते हैं. अभी एक वर्ड इसमें बार बार आ रहा था कि एमिलगमेशन. आपको एमिलगमेशन का मीनिंग पता होना चाहिए तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने नोट के अंदर लिखना कि एमिलगमेशन का मतलब क्या होता है कि मिक्सचर, यानी कि मिश्रण. कोई चीज़ का मिश्रण हम बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे. यहाँ पे हमने जितनी ट्राइब्स का देखा उन सबका जो मिक्सचर होके जो चीज़ बनती है उसको हम बोलेंगे एमिलगमेशन. एमिलगमेशन यानी मिक्सचर. आपको एक हार्ड वर्ड्स का फॉर्म में आप लिख सकते हैं. Preservation and conservation of heritage. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. Heritage brought glory to the nation. India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved. Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A. In that, 6, 7 and 9 describe the following duties for preservation of our cultural heritage. To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. Maintain the forests, rivers, ponds, and the wild animals and birds, along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures. The protection of public property and giving up violence are also included in it. Thus, nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity, and beauty of these places, considering it to be our modern duty. अभी जो हमारा ये लास्ट पॉइंट चल रहा है इसमें बता रहे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज. अपने हेरिटेज को हम किस तरह से सेफ और बचा सकते हैं, किस तरह से उसको संभाल सकते हैं, उसके बारे में एक बात की गई है. हमारे कोई भी काम जैसे कि हमारा बुक ऑफ खोलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब हमारा जो हक, हमारे जो राइट्स है. अभी हमारा एवरी सिटीजन हर चीज़ जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है. जैसे आपने अंदर देखा कि एक पुरानी इमारत के ऊपर लिख रहे, ये हमारी आदत है. आप नहीं तो मैं नहीं तो कोई और, हमको आदत है कि ऐसी कोई जगह जाते हैं तो वहाँ हम इनिशियल खुद भी लिख देते हैं या उसको ख़राब करते हैं या वहाँ पे थूकते हैं या कचरा करते हैं. तो ये एज ए सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है.
जो पुरानी इमारतें स्कल्पचर्स है, स्क्रिप्चर्स है, उस आर्किटेक्चर को हमें बचाना है, संभाल के रखना है, और अगर दूसरे ऐसे करते हैं तो उसको ये करने से रोकना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की मैंने एक बात करी थी, उसके अंदर इन्होंने एक आर्टिकल आपको बताया कि आर्टिकल 51A और इन दैट उसके अंदर पॉइंट्स दिए थे कि 6, 7 एंड 9। ये आर्टिकल के अंदर के पॉइंट को क्या डिस्क्राइब करते हैं कि फॉलोइंग ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, ये हमारी क्या है कि ड्यूटी है, क्या करना है ताकि हमारे ये सब चीज़ों को सेफ करना है, ध्यान रखना है, खराब नहीं करना है। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट कहा था कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हारमोनियस कल्चर प्रोस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। इसका मतलब क्या होता है कि हमें हमारा जो कल्चर है, निर्दोष कल्चर है जिसको हम बोलेंगे, उसको हमें संभालना है, बचाना है, उसको आने वाली पीढ़ी न्यू जनरेशन के लिए हमें उसको सेफ करके रखना है। फिर मेंटेन द फॉरेस्ट रिवर्स पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अलोंग विद मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपैरिजन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर। इसके बाद एक बात पॉइंट इन्होंने रखा हुआ था कि हमें मेंटेन करना है, ना उसको देखभाल करनी है, संभालना है, किस किस चीज़ों को संभालना है। जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ था कि फॉरेस्ट है, जंगल है, वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिर उनके लिए क्या चाहिए था कि भाई ट्रीज चाहिए, जंगल, तो उसको भी हमें बचा के रखना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना है, वायलेंस नहीं करना है, ये सब चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है, जिस तरह से कि हमारा जो हेरिटेज है, नेचुरल कल्चर हेरिटेज, इसको हम बचा सकें। The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. Nature has generously donated abundant prosperity to India. India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. In this way, the Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political, and cultural fields over a period of thousands of years. जैसे कि आपने अभी देखा ना कि इंडिया हेरिटेज इज आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय से उनका जो काम का जो पीरियड था उसकी मेहनत से जो डेवलपमेंट होके आया है वो। दूसरा, हमारे पास जो बहुत सारी प्रोस्पेरिटी है, अचीव्ड है, इनवेल्यूएबल अपॉर्चुनिटी जो हमें दी गई है, वो सबके वजह से इंडिया है वो डेवलप अच्छे से होता है। और एक हमें जो नेचुरल स्ट्रक्चर दिया गया है, जो चीज़ें कुदरत ने हमें गिफ्ट की है, जैसे कि आगे कहा गया था, तो उस चीज़ को हमें देखभाल करना है, हमें संभालना है। अगर इस तरह से अगर हम बात करें तो रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल किस किस चीज़ में, देखिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंड कल्चर फील्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 2500 साल पहले हेरिटेज ऑफ इंडिया कम्प्लीट होता है। सोशल साइंस का हमारा कम्प्लीट होता है, ये 3 वीडियो के अंदर हमने ये हमारा फर्स्ट चैप्टर को कम्प्लीट किया है। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरह से जिस तरह से आपको हर एक वीडियो के एंडिंग में कुछ वर्क दिया जाता था, मैं ये पूरे चैप्टर का वर्क आपको PDF के फॉर्म में ये वीडियो के एंडिंग के बाद आपको हम भेजेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बुक्स में लिख कर उसको प्रिपेयर करेंगे। घर पर वैसे भी आपको कुछ काम नहीं है, तो खास अपना काम है वो स्टडी के अंदर लगाए और प्रिपेरेशन की। इसी तरह से आगे के नए चैप्टर्स हम नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए और स्टडी।